नमस्कार, मैं दोस्तन अधिकारी, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज। चले चलते दिन भर की फटाफट खबरों की ओर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कोरोना पॉजिटिव, आईएस से जुड़े संगठनों की तलाश। चेन्नई में कई ठिकानों पर पुलिस के छापे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलिन फर्नांडिस को पटियाला हाउस कोर्ट ने दी जमानत। एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने लॉन्च किया थीम सॉन्ग, सेवा ही विचार रखा है नाम। G20 समिट में पीएम मोदी बोले, बाली के साथ भारत का हजारों वर्ष का पुराना रिश्ता। राष्ट्रपति के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में सुनवाई टली। अमेजोन इस हफ्ते 10,000 लोगों की कर सकता है छुट्टी। दिल्ली दंगा केस में पूर्व आप आदर्श तहीर हुसैन की याचिका पर रेसी में सुनवाई आज। चीन सीमा के पास भारत अमेरिका आज से करेंगे युद्ध अभ्यास। यूपी का दुधवा नेशनल पार्क आज से दोबारा खुलेगा। जम्मू कश्मीर में पुलिस चौकी के पास 2 ID के साथ एक संदिग्ध आरएस। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने का रास्ता खोजना होगा। देहरादून के सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। लोहाघाट पुलिस ने सकुशल बरामद किए पूर्व फौजी के खोए हुए 50,000 रुपये। रुड़की में दूसरे दिन भी सिंचाई विभाग के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी। लोहाघाट में अंतर महाविद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का पालिका अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। कार्बेट नेशनल पार्क बिकाला टूरिस्ट जोन आज से पर्यटकों के लिए खुला। गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में कॉलेज में हुई मौत। केरल में डेंगू का कहर, सरकार ने 7 जिलों में जारी किया अलर्ट। झारखंड स्थापना दिवस के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे राज्यपाल, बतौर मुख्य अतिथि कार्ड में छापा थाना।